हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। मैं हूं निशा डागर और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की हमारी सुबह की टेंशन क्या होती है कि लंच बॉक्स में हम क्या बनाएं, और अगर वो बच्चों के लिए बनाना होता है ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, टेंशन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है उनको ना खाने में बहुत वैरायटी चाहिए और अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आता तो अपना लंच बॉक्स वो फिनिश करके नहीं आते। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 60 लंच बॉक्स आइडियाज़, जिसके अंदर हमने आपके लिए बनाई ऐसी रेसिपीज जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और हर रेसिपी दूसरी रेसिपी से बिल्कुल अलग है और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लंच बॉक्स की मेन रेसिपी है उपमा। एक कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, फिर उसके अंदर हम डालेंगे कुछ मूँगफली, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 काजू, इसे भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। फिर हम इन दोनों चीज़ों को एक बाउल में निकाल लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे एक बाउल रवा, इसे सूजी भी कहते हैं। फिर हमें इसे भून लेना है, इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले ना। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। जब ये हल्का सुनहरा हो जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम दोबारा से कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, एक चुटकी हींग, थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी सरसों और 4-5 करी पत्ता। जब ये थोड़ा सा चटकने लगेगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक बारीक कटा प्याज और इस प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, आधी गाजर बारीक कटी हुई। जब ये हल्की सी सॉफ्ट होगी फिर उसके अंदर हम डालेंगे कुछ मटर के दाने। इसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और एक छोटा सा कटा हुआ टमाटर। इन सारी चीज़ों को हमें हल्का सा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये जो हमने सूजी को पकाया था वो। फिर हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तब तक हम एक पैन में पानी गरम होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमने जो मूंगफली और काजू को फ्राई करके रखा था और इसे अच्छे से मिला लेना है। फिर हम जो हमने पानी गरम किया है उसको इसके अंदर डालेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि एकदम से सारा पानी डालने से ये बाहर आ सकता है, तो इसलिए हमें हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे चलाते रहना है। एक बाउल सूजी के लिए हमें 1 कप पानी लेना है। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रवा उपमा रेडी है। तो आइए लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। एक सेक्शन में हम लेंगे उपमा और फ्रूट्स के लिए हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, हमने लिया पपाया, आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट ले सकते हो। और फिर हम रखेंगे थोड़े से वेफर्स स्नैक्स के लिए और ये केचप। तो ये हमारा लंच बॉक्स रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।